च हर स्कूल च प्रॉपर पुलिस लगी हुई है, पेट्रोलिंग पार्टियां लगियां, QRT टीम्स लगियां हुई हैं, बिल्कुल पीसफुली चल रहा है जी, बिल्कुल पीसफुली। हाँ जी, वोट पानी चाहिए है, वोट पाती अपना अधिकार लिया। पंजाब भर में अज वोटा पै रही ने, ते लोग अपनी वोट का अज इस्तेमाल कर रहे हैं। लोगों का की रुझान आ, लोग कि सरकार बनाएंगे, यह आने वाला समा ही दसेगा। साढ़े नाल गलबात करने तैयार ने पंजाब सिविल बोर्ड के चेयरमैन प्रगट सिंह धुन्ना जी, उन्होंने गलबात करते हैं कि इस अज की जी वोटिंग हो रही उन्होंने बारे की कहना चाहते हैं। हाँ जी सर, अजी वोटिंग हुई है पंजाब भर के की कहना चाहते? अज गणतंत्र दिवस के तौर पर वोटा का जोड़ा दिन आ, साडे लोकतंत्र नूं बहाली करन वास्ते यह देना आंदा है। असी सारे पंजाब दे लोकां दा बहुत धन्नवाद करते हैं, खास करके हलका अमृतसर दखणी और पूर्वी का, कि जिन्हां ने अमन अमान शांति दे नाल अपने वोट दे अधिकार की वरतों की है। यह हुण 10 तरीक वाले दिन रिजल्ट तो पता लगेगा लोगों ने अपने वोट दा जिहड़ा अधिकार है उन्हूं वरतदे होया किस दे हक च फतवा दिता है। सारे पंजाब के लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है, खास करके हलका दखनी के लोगों का बहुत धन्यवाद है कि जिन्होंने अमन शांति के नाल बगैर किसी लड़ाई झगड़े तो शांतिपूर्वक वोटा पाइया। और मैं समझदा कि पहली बार होएगी कि हलका दखनी दे विच किसी भी पार्टी वालों किसी नाल कोई झगड़ा या लड़ाई नहीं हुई और लोगों ने प्रेम प्यार दिखाते हुए अपने वोट के हक का इस्तेमाल किया। भारतीय संविधान के मुताबिक 5 साल बाद वोटा पैदा ने, तो लोग 5 साल बाद ही जनता को मौका मिलता है चुनन का, सरकार बनाउन दा। किस तरह देखते हो कि पहले कांग्रेस सरकार रही है, इस बार तिकोणी टक्कर 3 पार्टियां खड़िया ने सरकार बनाउन दा दावा कर रही ने, 4 पार्टियां। देखो ये लोगों के मन बने हुए ने सरदार चरणजीत सिंह चन्नी जी के 111 दिनों के कामों नूं देखदे होया, कि जे एक इंसान नूं 111 दिन का समा मिलिया और उन्हें इन्ने बदलाव किए ने, अगर पूरे 5 साल वास्ते उन्होंने मौका मिलेगा तो मैनूं लगता है, पूरी लगता नहीं है, पूरी उम्मीद है मैनू कि चन्नी साहब जनता के हक के फैसले करके पंजाब नू होर खुशहाली के रस्ते ते तोरनगे। और लोगों ने अज जड़ा है अपना जड़ा वोट का मत का दान किया है, पूरी उम्मीद है कि उन्होंने अज चरणजीत सिंह चन्नी की सरकार बनाने की नींह रखती है। और तुसी देखोगे 10 तरीक वाले दिन सरदार चरणजीत सिंह जी चन्नी बहुमत के नाल अपनी सरकार बनाएंगे। सो ये सन पंजाब सिविल बोर्ड के चेयरमैन प्रगट सिंह धुन्ना जी, जिन्होंने दसाया कि लोग इस बार कांग्रेस चन्नी सरकार नूं ही लोग बहुमत देणगे ते सरकार बनाउणगे कांग्रेस की। साडे नाल गलबात करन लई तैयार ने जिमी वाली है जी, जो अज दी वोटिंग जिहड़ी होई है उहदे बारे गलबात करांगे। हांजी सर, जिहड़ी अज वोटिंग होई है किस तरह का माहौल रहा जी? अज जो वोटिंग होई माहौल बहुत वधिया रहा, शांतिपूर्वक ढंग नाल अज वोटां लोकां ने पाईआं। मैं सारे पंजाब वासियां दा ते ईस्ट हलके दे विच जिस हिसाब से शांतिपूर्वक वोटिंग उन्होंने साथ सारा मैं धन्यवाद आखदा। जो लोग 10 तरीक फतवा देंगे वो सारे पार्टियां मंजूर होएगा जी। पुलिस के प्रबंध किस तरह के रहे? प्रबंध बिल्कुल सही रहे जी, जो प्रबंध सरकार ने किए हैं बहुत वधिया प्रबंध किए हैं जी, सारियां कोई कोई धक्के वाला काम कोई किसी ने कोई मुश्किल किसी नहीं आई जी। साडे नाल खड़े ने प्रिंस जी नाल भी गलबात करांगे कि अज दे जिहड़ा दिन जिहड़ा बीतिया वा लोगों ने वोटां पईआं किस तरह देखदे जी? बहुत वधिया दिन रहा जी, हर लोग हर बंदे ने अपनी वोट का इस्तेमाल किया, बहुत वधिया सिस्टम ना वोटिंग हुई है। बाकी जो जनता ने फतवा दिता 10 मार्च को पता लग जाएगा जी, जो सारे मंजूर होगा हर पार्टी को जनता का फतवा। इस तो पहले कांग्रेस की सरकार रही है पंजाब दे विच, अगे किस तरह देखते हो? देखो जी, कांग्रेस की सरकार रही है, उन्हें काम काज तो किए कोई नहीं, साढ़े मुँह तो कहने की लड़ ही नहीं, दुनिया ही बोलती है। बाकी अगो 10 मार्च को पता लग जाएगा जी, लोगों ने कि सिर सजाना आपे पता लग जाएगा। किधर पूर्वी हल्के जो वोट पाई? साड़ी वोट सेंटर हल्के तो है जी, सेंटर हल्के। और जी प्रिंस जी साढ़े नाल मौजूद ने, प्रिंस भाजी उन्होंने ही गलबात करते हैं, बहुत ही शहर के नामवर शख्सियत ने। हाँ जी, वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी की फतेह जी। पहला तो मैं थोड़ा इस सोशल मीडिया के नाल जो अपनी कवरेज कर आए हो, तो टीम का तो बहुत धन्यवाद करता हाँ। अज जिहड़ियां वोटां जिहड़ियां शांतिपूर्वक होईयां ने, बड़ी खुशी की गल है कि आपस दे विच जिहड़ा हलका वासियां ने शहर वासियां ने जिहड़ा आपस जिहड़ा एका ते भाईचारा अज विखाया है, मन नूं बड़ी खुशी होई है। तो आस करते हाँ कि जो जनता ने जिहड़ा फैसला जिहड़ा दिता है वह हर किसी नूं खिड़े मत्थे प्रवान होगा जी। 10 मार्च जी तरीक नूं रिजल्ट आएगा, इंतजार करना पड़ेगा किस तरह दे? देखो जी, इंतजार तो कहते हैं एक मिनट का भी करना जो बहुत औखा होंगे वा,
पर चलो जो नियम बने ने सरकारा वालों उन्होंने भी जड़ा आ वह फॉलो करना पैंदा है जी। इंतजार करांगे जी। ਇਹ ਸਨ ਪ੍ਰਿੰਸ ਜੀ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਔਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਆ 20 ਫਰਵਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਨਤਾ ਜੋ ਫਤਵਾ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਉਹ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰਾਜੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਕੇਸ਼ ਸਿੰਘ, ਗੋਡਫਾਦਰ ਨਿਊਜ਼, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।